हेलो फ्रेंड्स एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके बात करेंगे एच के पीजी एंट्रेंस के एडमिट कार्ड किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि पिछले कल जो है एच की ओर से सूचना जारी की गई थी जिसमें उन्होंने बताया कि जो 12 तारीख से पी के एंट्रांस टेस्ट हो रहे हैं एच जो कंडक्ट करवा रहा है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं आप अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं किस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे वो पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले ज़रूरी बातें जो हैं वो ये हैं कि जिनके एग्ज़ाम बीस तारीख से बाद हैं उनके एडमिट कार्ड हो सकता है कि अभी डाउनलोड ना हो और जिनने बी के लिए अप्लाई किया है उनके भी एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किए गए हैं इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है क्योंकि अभी बी के टेस्ट के लिए टाइम भी काफ़ी है तो जिनके एग्ज़ाम 20 तारीख से बाद है वो भले ही पीजी के किसी भी सब्जेक्ट में आप एंट्रांस टेस्ट किसी भी सब्जेक्ट का दे रहे हैं तो हो सकता है आपके एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड ना हो क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड है वो पेपर से चार पाँच दिन पहले डाउनलोड हो जाएंगे आप तब तक चेक कर सकते हैं अगर डाउनलोड हो जाते हैं तो अच्छी बातें नहीं होते है, तो आप लगातार ट्राई करते रहें आपकी जल्द ही चार पाँच दिन पहले पेपर से चार पाँच दिन पहले तो डाउनलोड हो जाएंगे तो चलिए किस तरह से आप डाउनलोड कर पाएंगे वो हम आपको बताते हैं तो सबसे पहले आपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है आपने उस पर टाइप करना है एच पी यू प्री एडमिशन आपने सर्च करना है एच पी यू प्री एडमिशन और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे ही ये आप सबसे पहली ऑप्शन देखेंगे आपने इस पर क्लिक कर देना है ऑनलाइन प्री एडमिशन पे एच ऑनलाइन प्री एडमिशन पे आपने क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने पे आप एक नए इंटरफेस पे पहुंच जाते हैं जहां पे आपको ऊपर नजर आ रहा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड की ऑप्शन यहां पे आपको नजर आएगी ऊपर तो इस इसपे आपने क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड यहाँ पे दो ऑप्शन आएगी आपको एक आपको डालना होता है रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरा डालना होता है पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ होती है जो यूज़र आईडी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है जब आपने अप्लाई किया था तो उस टाइम आपको ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड की की थी तो एक स्क्रीन शॉट आपने ले कर रखा होगा उसका या फिर आपने कहीं सेव करके रखा होगा तो वो दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर यूज़र आई डी और पासवर्ड डाल देना है और ये डालने के बाद आपने यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है नीचे तो जैसे ही आप इस पर डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके सामने पी की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा आप उसे सेव कर सकते हैं अभी मेरे पास किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है ना ही किसी का पासवर्ड है तो मैं आपको ये बता नहीं पाऊँगा प्रूफ के साथ कि इस तरह से आप डाउनलोड कर पाएंगे लेकिन आपका जो प्रोसेस रहेगा वो यही रहेगा तो अगर किसी कैंडिडेट का, का नहीं होता है डाउनलोड तो आप कमेंट कर सकते हैं हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे उसकी पीडीएफ तो ये कुछ आज की खास अपडेट थी आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली अपडेट के साथ तब तक के लिए बाय।